की हॉल सत श्री अकाल गाइस, मैं हूं कटप्पा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप जीत सकते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच। जी हां, हाउ टू विन अ सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच इन एन एशियन लॉबी। तो गाइस यहां पे करना कुछ नहीं है, आपको ना बस इस वीडियो को देखना है एंड तक और आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से एशिया के प्लेयर को चूतिया काट के आप मैच जीत सकते हो। मतलब लिटरली चूतिया नहीं काट के, मतलब बस हां। और ये वीडियो खास है जो उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए जिनका स्प्रे टट्टी है। मतलब बुरा मत मानना, मेरा भी स्प्रे टट्टी है, मतलब जिसकी स्प्रे टट्टी है, जिसकी आईक्यू मेरी तरह टट्टी है। और भाई अगर आपकी नहीं भी है ना तो भी ये वीडियो आप देखो एंड तक, शायद आपको समझ में आए कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और भाई उसके सबसे बड़ा नियम है कि आप पहले ऐसी जगह उतरो जहाँ पे 14 प्लेयर आते हो, मतलब गन फाइट के नाम पे 14 प्लेयर मिले। मतलब जैसे सेवरनी हो गया, मतलब प्रॉपरली सेवरनी, मेरा इंटेंशन साफ साफ है सेवरनी का, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े 14 लोग आते हैं। कैंपर्स आएंगे साले नूबड़े, खेलने आते नहीं, कैंप करके बैठ जाएंगे, मतलब कैंप करके बैठते नहीं है, पर भाई लिटरली यहाँ पे 14 प्लेयर आते हैं, बस इतनी सी बात है। तो गाइस यहाँ पर मैंने लूट करी है थोड़ी बहुत, मेरे को गनमन मिल गई और यहाँ पे भाई आराम से, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने M76 उठाया और अब मैं करूँगा बंदों पे चढ़ाई, क्योंकि सेवरनी में जल्दी सबको गन नहीं मिलती और अच्छी गन तो कभी नहीं मिलती। मेरे पे रश नहीं है, मेरे को रश नहीं करना चाहिए था, पर मेरा सबसे बड़ा नियम, मेरे पे रश नहीं है, मेरे पे कुछ खास ठीक है, मतलब ठीक ठाक सामान है। तो गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है ना कि आप डायरेक्ट फाइट में कभी मत फंसो। पहले स्टार्टिंग के जोन में तो कभी नहीं डायरेक्ट फाइट में फंसो, यहाँ पर आप सीधा सीधा थर्ड पार्टी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे एसेसरीज होते नहीं है लेवल 3 के हेलमेट वेस्ट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फाइट ना करते हुए सीधा ये कर सकते हो थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी का नतीजा ये होता है कि यहाँ पे आपको फ्री के किल मिलते हैं, मतलब फ्री के नहीं मिलते पर थोड़े सस्ते किल मिलते हैं, मतलब महंगे प्लेयरों के सस्ते विकेट आप इजीली यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पे भाई मैंने यही करा, मैंने एक टीम के दो बंदे जो बचे थे पेल दिए और लास्ट दूसरी टीम का जो लास्ट बंदा था ना उसके, वो तो अलग ही सीन का था, वो अलग ही लौंडा था। मतलब कहते ही, मतलब देखो वो गया सामने से लूटे जा रहा है, वो भगता हुआ गया वो। अभी भाई मेरी हरकतें भी देखो, मेरी हरकतें भी कुछ खास अच्छी नहीं है, मैं कहते नहीं क्या कर रहा था, मैं उसे स्पॉट करता हूँ और उसके बाद उस पर गोली चलाता हूँ, प्री फायर, लेकिन भाई बच के निकल गया। फिर मैं उसके पीछे भागता हूँ, मुझे लगता है ये यहाँ पे टीपी भी ले रहा होगा, नहीं यहाँ पे नहीं, इधर लेटा होगा मेरे सामने मुंह करके, नहीं अबे ये तो चूतड़ा दिखा रहा था। अरे भाई अब तुम चूतड़ा दिखाओगे तो भाई दर्द तो तुम्हें ही होगा, मार के कैली फ्लावर बना देंगे तुम्हारे कैबेज से पिछवाड़े को। चलो कोई नहीं भाई, इसी के साथ ही मेरे को मतलब थर्ड पार्टी करके 3 किल मिल गए यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे किल, मतलब ऐसा नहीं कोई रिस्क नहीं, कोई डैमेज गेन नहीं, और बस 3 किल आराम से आपके हो गए। तो गाइस होप आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो, और गाइस अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में को देख रहे हो ना, मतलब आपको मज़ा आ रहा है। और इसी बीच बकैती में मैंने एक बॉट को भी पेल दिया, देखो कहाँ दिखाता हूँ रुको, ये दिखेगा अभी आपको बॉट, बॉट कहाँ गया बेटा, ये रहा बॉट। इसी बीच मुझे बॉट मिल गया, मैंने उसको खत्म गोलियाँ चला दी और बॉट की भी ले ली। तो भाई यहाँ पे देखो लौंडे आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, उतने देर में मैं सबकी चूतल लाल करा और भाई वहाँ से निकल पड़ा। और मैं तो देखो ये मैंने नया कॉम्बो सेलेक्ट किया, मेरे लिए बता देना भाई लोग आप लोग को अच्छा लगा या खराब लगा, मैं रखता हूँ 2 M4 और उसमें ढेर सारी गोलियाँ, मतलब कोई टेंशन इच नहीं है भाई को, कोई टेंशन इच नहीं है, अपन बहुत रईस है। पर भाई मैं सोच रहा हूँ ना कि क्या ही बोलूँ भाई, कुछ नहीं बोलना भाई, चलो गाड़ी उठा करके चलता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ होता है स्कैम, यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है कट जाता है, मतलब इससे ज़्यादा गुस्सा ना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया होगा कि भाई सबसे ओपी मोमेंट ना रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मतलब कि भाई क्या। चलो आगे बताता हूँ क्या हुआ जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और मेरे को कितना गुस्सा आया उस पर। देखो लॉन्डो यहाँ पर, जी हाँ लॉन्डो यहाँ पे देखो ये जो सीन हुआ था ना, मेरी गाड़ी फोड़ दी लॉन्डो ने, मतलब मैंने गाड़ी स्विच करा था वहाँ से, मैंने लिया था ये अपना स्किन वाला US और वो ग्लिच थी एक्चुअल में ना, वो ग्लिच खाई हुई थी और मैं भाग रहा था और ये ओपन जिप में 3 लौंडे मेरे पे चढ़े आ रहे थे, सॉरी 3 नहीं 4 लौंडे मेरे पे चढ़े आ रहे थे और गोलियों पे गोलियाँ दबा के मार रहे थे। मैं क्या भाई क्या ही कर लूँगा भाई, गाड़ी को मैंने राइट टर्न कराया और गाड़ी ऐसे ड्रिफ्ट मार रही ना कि मतलब भाई मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं था, लौंडे आए मेरे पे गाड़ी ठोकी, मैं भी क्या मैं उतरा तेरी माँ की फुद्दी फेंगल लोलो, मैंने भाई चारों को पेल दिया। और भाई पेलने के बाद उनकी ओपन जीप लेकर के चला गया, वैसे मैंने वहाँ पे बहुत इमोट करे, मेरे को लगा ये सीरियस स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ होगा, पर भाई ये बस सीन ना यार रिकॉर्ड नहीं हुआ यार।
बहुत बुरा लग रहा है भाई, मतलब क्या ही बोलूं। मेरा सबसे ओपी मोमेंट था, मतलब कि मैं अकेला, सामने चार लौंडे एक ओपन जीप में, और मैंने चारों को पेल दिया। और विडम्बना देखिए, वो एरिया रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बहुत बुरा लगा भाई, बहुत बुरा। चलो कोई नहीं, अगले बार उम्मीद करते हैं ऐसी कोई चूतिया पंती मेरे साथ ना हो। तो भाई इसके बाद मैं ना आ गया रोजॉक। जी हाँ, देखो आपको ना सोलो वर्सेस स्क्वाड में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एरियाज को घूमो, स्काउट करो और पता लगाते रहो कि कहाँ पे फाइट चल रही है, और जहाँ पे फाइट चल रही है वहाँ पे तो जाके बजा दो, लिटरली घुस के बजा दो, उनकी माँ की बहन की सबकी एक कर दो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दूर से स्क्वाड फाइट लेनी है, सॉरी स्क्वाड से सोलो फाइट लेनी है तो भाई थोड़ा डिस्टेंस है, जो जो डैमेज है, जो नॉक है, ठीक है उन्हें मार के आप किल चुरा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको उन्हें नहीं मारना चाहिए, पर मेरा अपना ये परसेप्शन से, मेरा अपना ये कॉन्सेप्ट है कि भाई जो बंदा नॉक पड़ा है ना, उसे मारोगे वो ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है उसकी टीम भी ख़त्म हो जाए, पर जो ओपोनेंट की टीम बचेगी ना वो फिर आप पर चढ़ाई कर सकती है, मतलब ऐसा कर सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा फेवरेट, मेरा मतलब मेरा अपना परसेप्शन यही है कि भाई जो नॉक पड़ा है ना उसे नॉक पड़े रहने दो, पहले उसे मारो जिसने ना उसे नॉक करा, मतलब इससे ये होगा ना कि दोनों टीमों की ना बराबरी की, मतलब मुसीबत दोनों टीमों पर बराबर आएगी। और यहाँ पे देखो दो टीम आई, और यहाँ पे दोनों टीम पे मैं यही कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था, यहाँ पे दो टीम आई, यहाँ पे एक ड्रॉप पे दो टीमें आई है, लड़ती है आपस में भी लड़ेंगी, एक दूसरे को मारा मारी करेंगे, पटक मारेंगे, पता नहीं क्या ही करेंगे ये लौंडे। तो यहाँ पे सीन देखो भाई, मैंने ना नॉक वाले को एक भी गोली नहीं मारी, मतलब मुझे पता है वहाँ पे बंदा नॉक पड़ा, पर मैं उसे नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि उससे वो टीम तो खत्म हो जाएगा पर अगला टीम मेरे पे चढ़ाई कर देगा। और भाई यहाँ पर मेरे को एक नॉक भी निकलता है, पर अफसोस 3x छोटा सा, कुछ उखाड़ नहीं पाए। और 3x की नहीं, मेरी स्प्रे भी टट्टी थी, वो बात की बात है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और आप जिसे नॉक करो ना, मैं तो कहूँगा उसे ख़त्म ही कर दो, मतलब छोड़ना नहीं। और दूसरों के नॉक को चोरी करना अच्छी बात होती है, पर भाई नहीं यार, आई वुड से नो। तो यहाँ पर ये बंदा दो बार मेरे से हत्थे नॉक हो जाता है, शायद एक आधा गोली तुक्का उक्का में लग जाता है, तो वो नॉक हो गया फिर से। इतने में मेरे को पता चलता है कि मेरी स्प्रे के चक्कर में ना, मतलब गोलियाँ तो शॉर्ट लग कनेक्ट हो नहीं रही थी, और मेरी गोलियाँ हो गई ख़त्म, मतलब लिटरली मेरे लिए ना 2 M4 में 100-150 गोलियाँ, भाई मतलब M4 होना तो कम से कम 500-700 गोलियाँ होनी चाहिए, लगता चाहिए कि यार लौंडे पे ना मतलब पूरा का पूरा जाखिरा है, मतलब अलकायदा है अलकायदा। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ भाई वहाँ पे तबाही मची थी, चलो थोड़ा सा वहाँ से लूट लेता हूँ। तो भाई आगे जो सिचुएशन होने वाला है ना वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, पर मैं आपको बताऊँगा कि उस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं, मतलब कि लिटरली इस वीडियो में मैंने सारे वो ट्रिक्स बताया है, मतलब कि ट्रिक्स नहीं है, सारे सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पे आप सोलो वर्सेस स्क्वाड के ना प्रॉपर तरीके, जिससे कि आपको पता चल सके कि भाई आप पे ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए वाला कोई सीन नहीं था, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं करनी चाहिए होती और मैंने वो की होती तो मैं मर गया होता। तो यार इस वीडियो में सिर्फ आपको वही चीज़ें बताऊंगा जिस जो चीज़ें आपको करनी चाहिए। और सबसे पहली चीज़, जहाँ पे ताज़ा ताज़ा फाइट हुआ हो और वहाँ पे लाशें पड़ी हो तो उन लाशों पे ना नज़र डालने और डोरे डालने नहीं जाने चाहिए, वरना आप पर भी ये वाला स्कैम हो सकता है। कौन सा? चलो दिखाते हैं आगे। भाई फिलहाल तो मेरा गला बहुत ख़राब हो रखा है, फटे हुए बांस की आवाज़ आ रही होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मेरा आवाज़ आप लोगों से सुन रहा है। तो यहाँ पे मस्त मगन होकर के मैं लूट रहा था, इतने देर में मेरे पे आता है एक बहुत ही प्यारा सा आला सा शॉट, देखो पड़ी मेरे को दबा के पड़ी। भाई यहाँ पर Level 3 होने की वजह से मैं बच गया, पर ना ये गलती कभी मत करना कि मतलब ओपन में लेट के ड्रॉप तो कभी मत लूटना, ड्रॉप क्रेट कुछ नहीं लूटना। सिचुएशन ये था, सामने वाले रेस पे चार बंदे खड़े हो गए, मेरी फट गई। तो यहाँ पर सिचुएशन पर बस यही करना है, एक स्मोक पीछे दो, एक स्मोक आगे दो, एक स्मोक इधर को दो। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं भागूंगा कैसे, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा ना रिस्क आपको भी लेना होता है, पहले उससे पहले रिस्क की माँ किया, पहले आपको लूटना है, जिस काम के लिए पहले वो काम ख़त्म करो, उसके बाद कुछ और चीज़ के बारे में सोचो। तो यहाँ पर जब पूरा स्मोक घना हो जाता है तो उसके बाद भाई मैं ये करता हूँ, गाड़ी उठाई और बेटा भागा यहाँ से, भागते ही भट्टी का, और कतई भाग, मतलब भाग, कोई ऊपर नीचे अगर मगर नहीं, ओपन ओपन कुछ नहीं, भागो बस भागो। और भाई यहाँ पर ना मैंने ना मौत को ऐसे से छू के आया हूँ ना, मतलब कि क्या ही बताऊँ,
मैंने यहाँ पे रिच पता करके सोचा उन पर अटैक किया जाए या फिर स्काउट किया जाए कहाँ पे लॉन्डे। तो भाई सीन ये होता है कि मैं यहाँ पे लेट करके ना इन्हें खोजने की कोशिश कर रहा होता क्योंकि इन्होंने गोली कहाँ से चली मेरे पे, किसने गोली चलाई। उतने देर में मुझे उनकी वो डार्सियाँ दिखती है उड़ती हुई हवा में। हाई कसम बता रहा हूँ, दिल का धड़कन किडनी को फेल कर रहा था, कसम बता रहे। मतलब एक पल को लगा कि गोलियाँ चलाओ, फिर मैंने कहा नहीं 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 ऐसे नहीं करने का, वरना वो आएंगे और ओपन में आपको मार के आपकी चूतर लाल कर देंगे। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ सोलो वर्सेस स्क्वाड हो या फिर स्क्वाड हो या फिर डुओ कुछ भी हो, ओपन में खड़े होकर के अगर आपको पता आपका स्प्रे कुत्ता है, गंदा है, टट्टी है, तो स्प्रे नहीं देने का। कोई दिक्कत नहीं है, बंदे जा रहे हैं जाने दो, पर अगर आपने उन पर उंगली करी और आपका रिजल्ट नहीं आया ना, तो भाई आपके लगने वाले। और सोलो वर्सेस स्क्वाड में सबसे अच्छी चीज़ आपके पास लूट भरदम रहती है, तो एनी टाइम अपने आपको ना ये बूस्ट करके रखा करो। ये जो ऊपर वाली रेखा है ना, उसे पूरी तरह से रेखा को परिपूर्ण रखो, ऊंचाई पे रखो, ताकि आपके एक आधा गोली लग भी जाए ना तो मतलब आपको कुछ खो नहीं, मतलब आप समझ रहे हो ना, आपकी हील तुरंत रिकवर होते रहे। तो यहाँ पर भाई मैं सोचता हूँ कि अब ज़्यादा बंदे बचे नहीं है, 16 बंदे बचे थे, 15 बंदे बचे थे, तो मैंने कहा भाई चलो कंपाउंड वम्पाउंड में देखते हैं, कहा कंपाउंड पकड़ लेते हम भी। तो इतने में ना मुझे इस घर पे गाड़ी दिखती, मैं सोचा चलो रश मार लेते हैं टीम पे, क्योंकि ये फैसला बहुत गलत साबित हो सकता था अगर वो टीम बहुत अच्छी होती। मैं यहाँ पर टीपीपी ले रहा हूँ, चलो मैंने यहाँ पर सोचा पहले टीपीपी लेके देखो कहाँ कहाँ पर है। इतने देर में मेरे पे पीछे से ना कार 98 का शॉट आता है, मैं बोला भाग बहन कोई भी इधर से तो नहीं मरना। तो भाई मैंने ना इधर सोचा कि यहाँ पर फुटस्टेप्स तो आ ही रहे, एक आधा नेड कर देता हूँ, एक नेड डाला, दूसरा नेट यहाँ डाला। सीन ये ऐसा इसलिए करना कि मैंने पहले वहाँ डाला दूसरा यहाँ, क्योंकि अच्छे लौंडे सीढ़ी पे बैठते हैं, तो सीढ़ी पर मैंने नेट डाला तो वो पीछे गएंगे, तो पीछे भी नेट डाला पर पीछे भी कोई नहीं फटा। फिर ऊपर मिडिल में एक मॉली डाला, कुछ नहीं हुआ, मैं ऊपर ही जा रहा था, फिर मेरे को लगा नहीं 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 ये गलत हो जाएगा, एक और मॉली डाल के देखता हूँ। तो इस बार भगवान की कृपा से ना एक नॉक हो जाता है, जी हाँ एक नॉक हो जाता है। उसके बाद मैं करता हूँ रश दबा के, ये तीसरा बंदे का कहाँ था मेरे को नहीं समझ में आता, पर दूसरे को तो भाई क्या ऊपर नीचे। देखो तो यहाँ पर जो सीन हुआ ना इसके साथ, ये भाई मतलब बहुत ही गलत था। मतलब वो बंदा लिटरली, आप देख लेना वीडियो में बैक करके, मतलब कि वो बंदा मेरे पे सामने इसकी ओर एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं सामने पर रहूँगा, चूतिया दिख रहा हूँ तेरे M24 रेंज के आड़े आऊँगा। मैं भाई लेफ्ट की तरफ भग के उससे सर पर पेल दिया M4, और भाई भाई ने तुम्हारे ना क्या गदर मचाइए, मतलब मज़ा ही आ गया भाई। घर पर घुस घुस के पहला इनकी माँ का बहन का सब क्या ही कर दिया। और यहाँ पर एमओ की कोई कमी नहीं थी, पर एमओ को हटाते हुए मैंने सोचा थोड़ा सा थोड़े बस रख लो। और भाई यहाँ पर तो मैं जब भाई देखो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मेरे लूटने में कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, क्या लूँ क्या छोड़ूँ। मतलब फिर मैं सोचा 6x लगा के कर 98 वाले को स्पॉट करूँ, पर ये फैसला बहुत गलत साबित हो सकता था, क्योंकि आपके सर पे सीधे हेडशॉट पड़ सकता था। तो यहाँ पे मैंने आड़े टेढ़े दादे गोली चला दी, मतलब कि समझ चला दिए भाई बन गया। तो और दो गोली चलाने के बाद फिर लूटने चला गया कि मुझे एमओ चाहिए। तो क्या ही मैं इतना बड़ा लुटेरा, आई एम अ डाकू डैडी, यू नो गाना सुना होगा आपने, तूने किया मेरे पैर को कैदी, गोली मारे तुझे डाकू डैडी, मैं भाई डाकू डैडी हूँ, डाकू लुटेरा। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ें कभी मत करना, खिड़की पे ऐस इस तरह से खड़ा होकर के 6x लगा के स्प्रे मार रहे बंदे का, पता नहीं कहीं से कार 98 का शॉट आएगा, चूतरा लाल हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर भाई अब मेरे सामने बचे थे 8 बंदे। अब सीन ये था कि यहाँ से मैं जीत सकता था, और मैंने यहाँ पर यही सोचा कि मैं जीतने के लिए खेलूँ। तो मैंने ना जोन में होल्ड करा कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं है, जोन कट जाएगा पर फिलहाल कवर में रहो। फिर मुझे यहाँ पर दिखता है एक लौंडा, अरे भाई क्या ही कर रहे हो, बहुत मुश्किल से लगा भाई, पर फाइनली वो मर गया, मतलब मरा नहीं नॉक हो गया। और भाई नॉक तो कर दिया उसे किसी तरह से, पर उसके बाद ना उस पर एक गोली कनेक्ट नहीं, मतलब एक आधी गोली कनेक्ट हुई पर साला मरा नहीं। तो यहाँ पे मेरे अंदर का जो चुल था, मेरे अंदर का जो आतंकवादी था, वो जाग जाता है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो मारूंगा इसे, मरो चाहे कुछ करो, पर मैं इसे मारूंगा, गोलियां लूटो पहले। लेकिन लूटना यार, मारपीट एक तरफ, लुटाई एक तरफ, कुटाई बाद में लुटाई पहले। पर फाइनली उस लौंडे को मैंने किसी तरह से मार देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दो बंदे स्पॉट होते हैं लास्ट के, जिसमें से एक को मैं नॉक कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पे शॉट्स आते हैं, ठीक है देखो इसे कंफर्म किया, मेरे पे शॉट्स आए, मैं उस पर जाकर के सीधा अटैक करना चाहिए, मतलब ऐसा आप कहोगे कि अटैक करना चाहिए, पर मैं कहूँगा नहीं, दिख रहा है वो सामने है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हील कर लो, मौका है, क्योंकि आप मैप में देखो आप जोन में नहीं हो। मैंने आराम से हील करा,
उस लौंडे में भी इतना कलेजा नहीं था कि वो सामने से आकर के रश मारे मेरे पे, तो मैंने आराम से हील करा उसके बाद उस पर 3x लगा के मारने की कोशिश की, पर वो मेरे सारी गोलियाँ मिट्टी में लग गई, मिट्टी में मिल गई। जोन आ रखा था, देखो बूस्ट का फायदा मिला मेरे को। अब गाइस आप लोगों को दिखाना कि किस तरह से बूस्ट रखना खुद को कितना फायदेमंद होता है, तो गाइस आप भी ट्राई करो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो और सामने वाले की माँ बहन की जय जयकार करो, जय जयकूर करो। गाइस होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी के साथ ही बाय, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना।